स्टार प्लस के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप देखने वाले हैं कि रजत को सभी से प्यार होने वाला है। जी हाँ, शादी से पहले रजत को सभी से प्यार होने वाला है। वहीं ईशामा खुद सई के लिए सभी और रजत की शादी भी कराने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि सभी रजत की झूठी शादी, जी हाँ रजत ने अपने क्लाइंट को बताया कि सभी उसकी पत्नी है अपनी डील के लिए, तो फिर वहीं पता चलने वाला है ईशा माँ को यह झूठ, वो भी एक उनकी पड़ोस की आंटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूजा में रजत और सभी की वीडियो और फोटोज बनाकर ग्रुप पे डाल दिया था, जिसकी वजह से ईशा माँ को पता चल जाएगा कि रजत ने सभी को फंसाया है झूठी शादी में अपने क्लाइंट को बताने के लिए, यानी अपनी डील के लिए फायदा उठाया है। यह जानकर ईशा माँ बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने वाली है और यहाँ तक कि वह रजत का कॉलर भी पकड़ लेगी पूजा के मंडप में आकर के, और तो और रजत की माँ को स्टोर रूम में भी बंद करने वाली है। जी हाँ, जहाँ रजत की माँ बेहोश होने वाली है और फिर से वही सब ड्रामा होने वाला है, लड़ाई झगड़ा बहस। जी हाँ, लेकिन रजत की फैमिली में जो रजत के पापा हैं वो सभी को पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ईशा माँ भी मान जाएगी सभी और रजत के रिश्ते के लिए। और आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि ईशा माँ खुद गुजारिश करेगी, रिक्वेस्ट करेगी रजत से शादी के लिए। जी हाँ, जिसके बाद रजत और शवी की शादी को लेकर सहमति भी होती हुई नजर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अब सभी और रजत की जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हर्ष और आशिका की वजह से। जी हाँ, तो आप देख ही रहे हैं इतने धमाकेदार एपिसोड, तो जहाँ अब सभी और ईशान हुआ करते थे अब शवी और रजत हो गए हैं, तो इस एपिसोड की TRP गिर गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये 5 नंबर से 4 नंबर पे आ गया है, तो इसका मतलब अब लोगों को पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, आप सबको ये सीरियल कितना पसंद आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप सबकी राय जरूर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अपडेट्स के लिए।